Hello, Klaus. Welcome back. Welcome back. And so here we are at the edge of completing your this chapter. We are at the edge of completing this chapter. That is first chapter, Fundamentals of Computer or okay. Now, reason for caring for the human wear. ठीक है, ये चैप्टर ऑलमोस्ट हम आज कंप्लीट कर लेंगे. द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू रीड हियर इज वी हैव टू कंप्लीट फ्यू टॉपिक. कुछ इसमें से बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. सो नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू कवर हियर इज रीजन फॉर केयरिंग फॉर ह्यूमन वेयर. ह्यूमन वेयर की केयर कैसे करते हैं, ठीक है, हाउ वी कैन केयर फॉर द ह्यूमन वेयर. नाउ फर्स्ट इज, पहली बात क्या है, देखो, अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ एर्गोनॉमिक्स टू डिजाइन द वर्क एरिया. द वेरी फर्स्ट थिंग शुड बी दैट व्हाइल डिजाइनिंग द वर्क एरिया एनी कंपनी और इंस्टीट्यूशन और वी ऑन आवर इंडिविजुअल बेसिस वी शुड फोकस ऑन द एर्गोनॉमिक्स. Now we can maximize our comfort and safety, and it will also reduce many health related problem like headache, vision problem and wrist pain. ठीक है, this can be reduced. ठीक है, ये क्या हो जाता है, इससे क्या हो सकता है, ये reduce हो सकता है. This can be reduced. Now next is रिड्यूस फैटिक. अब देखो सबसे पहले क्या है, हाउ कैन वन रिड्यूस द फैटिक. फैटिक मीन्स व्हाट, फैटिक मीन्स जिस तरह की थकान हो रही है, ठीक है, जिस तरह की अगर थकान हो रही है या लगातार कंप्यूटर पे वर्क करने के कारण हमारी आंखों में इरिटेशन हो रही है, स्ट्रेन पड़ रही है, तो उसको रोकने के लिए व्हाट आर द रूल्स. फाइन, तो फर्स्ट इज, सबसे पहली बात क्या है, रिड्यूस द फैटिक. अभी क्या है, कार्पल टनल सिंड्रोम. दिस इज व्हाट, कार्पल टनल सिंड्रोम इज अ रेपिटेटिव स्ट्रेस इंजरी हुज सिम्टम्स इंक्लूड द नमनेस, टिंगलिंग एंड पेन्स इन द फिंगर. अभी इसमें क्या होता है, RSI दैट इज रेपिडिटी स्ट्रेस इंजरी में व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट नंबनेस, टिंगलिंग एंड पेन इन द फिंगर. नंबनेस आपकी फिंगर्स में, नंबनेस रहेगी, टिंगलिंग रहेगी और पेन रहेगा फिंगर में आपके, ठीक है. दिस कंडीशन अफेक्ट पीपल हु टाइप विदाउट प्रॉपर रिस्ट सपोर्ट. अब ये प्रॉब्लम किनके साथ होती है, ये प्रॉब्लम होती है उनके साथ जो कि प्रॉपर बिना किसी सपोर्ट के टाइप करते हैं, ठीक है. एंड ऑल्सो दोज हु टाइप फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट ब्रेक, मतलब बिना ब्रेक लिए लंबे समय तक ये क्या करते हैं, ये अगर लिखते रह रहे हैं तो उनके हाथों में इस तरह की नमनेस या टिंगलिंग इफेक्ट उनको पता चलता है, ठीक है. नाउ टू प्रिवेंट दिस टाइप ऑफ इंजरी यू शुड अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ एर्गोनॉमिक्स. ठीक है, एर्गोनॉमिक्स के प्रिंसिपल को यूज करके इस तरह के प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं. जैसे यहाँ पे एर्गोनॉमिक्स कीबोर्ड के बारे में बताया गया था, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था. नाउ स्टिमुलेट इंटरेस्ट इन कंप्यूटिंग, ठीक है. वॉट इज स्टिमुलेट इंटरेस्ट इन कंप्यूटिंग, ये क्या चीज है भाई, स्टिमुलेट इंटरेस्ट इन कंप्यूटिंग. लेट अस सी, इफ योर वर्क एरिया इज कंफर्टेबल. सी, अगर हमारा वर्क एरिया, द एरिया वेयर वी वर्क, इफ दैट वर्क एरिया इज कंफर्टेबल, ठीक है, अगर हम जिस एरिया में वर्क कर रहे हैं दैट एरिया इज कंफर्टेबल, दैट एरिया ऑफ आवर्स इज कंफर्टेबल, नाउ वॉट विल हैपन, उससे क्या होगा. अभी देखो उससे फर्क क्या पड़ रहा है, जब हम जिस जिस तरह के कंप्यूटर, जिस तरह के एनवायरनमेंट में हम काम करें, ना देखो अगर हम कंफर्टेबल हैं तो वी विल एंजॉय वर्किंग ऑन कंप्यूटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो हम लंबे समय तक कंप्यूटर पे काम करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है. लंबे समय तक हम क्या कर सकते हैं, वी कैन वर्क ऑन कंप्यूटर फॉर अ लॉन्ग टाइम और हमें एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कंप्यूटर पे लंबे समय तक काम करने के बाद भी. बट वॉट विल हैपन इफ
what we have to do for this, we should ensure that our desk and chairs are properly adjusted. हमारी जो डेस्क और चेयर हो वो क्या होनी चाहिए, वो प्रॉपरली क्या होनी चाहिए, एडजस्टेड होनी चाहिए, एडजस्ट उसका एडजस्टमेंट उसका प्रॉपरली होना चाहिए. ऑल्सो यू शुड ऑल्सो एनश्योर दैट द कंप्यूटर इज लोकेटेड इन अ क्लियर सराउंडिंग एंड वी शुड ऑल्सो एनश्योर दैट जो भी कंप्यूटर हम यूज कर रहे हैं दैट कंप्यूटर शुड बी लोकेटेड इन अ क्लियर सराउंडिंग. एक साफ सुथरे क्लियर सराउंडिंग में उस कंप्यूटर का क्या होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए. There are many accessories you can buy to ensure good ergonomics. ठीक है, कई सारी ऐसी accessories हैं जिसको हम use करके ergonomics क्या कर सकते हैं, for the good ergonomics. Those type of accessories is required. Now to help your wrist straight, wrist को straight रखने के लिए you can use wrist rest on your keyboard and mouse. Mouse और कीबोर्ड पे हम क्या यूज कर सकते हैं, रिस्ट रेस्ट का यूज कर सकते हैं. ठीक है, इट्स अ लाइक अ डिवाइस जहाँ पे क्या होता है, हम अपने रिस्ट को उस पर टिका देंगे एंड इट विल बी इजियर फॉर अस टू वर्क ऑन सच डिवाइस. अ चेयर दैट हैज कॉन्टर्ड सीट एंड गुड लोअर बैक सपोर्ट शुड बी चूजेड. एक इस तरह की चेयर को भी हम चूज कर सकते हैं जो जहाँ पे क्या हो हमारा बैक वट हैपन. अब जैसे कि लास्ट क्लास में भी हमने देखा था कि कुछ तरह की चेयर का यूज करके वॉट वी कैन डू, कि हम क्या कर सकते हैं उस तरह की चेयर्स का यूज करके वी कैन कीप अवर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन कीप अवर वर्क एरिया नीट एंड क्लीन एंड नाउ द सेकेंड थिंग इज वॉट, उसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वर्क एरिया तो क्लीन किया ही किया हमने, प्लस हमारी उंगलियों को क्या मिलेगा, उससे आराम मिलेगा. ठीक है, अच्छा अब जैसे कि अभी एर्गोनॉमिक्स कीबोर्ड हमने देखा, एर्गोनॉमिक्स कीबोर्ड भी इस तरह से डिज़ाइन किया गया जिससे कि हमारे हाथों पे हमारी उंगलियों पे ज़्यादा स्ट्रेन ना पड़े. इस तरह से उसको डिज़ाइन किया गया है जिस तरह से कि हमारी उंगलियों और हमारे हाथों पे ज़्यादा स्ट्रेन ना पड़े. ओके क्लास, नाउ मूविंग अहेड. अच्छा, वी कैन यूज अ मॉनिटर स्टैंड ऑल्सो. हम क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज अ मॉनिटर स्टैंड. मॉनिटर स्टैंड यूज करने से क्या प्रॉफिट क्या होता है हमारे पास, मॉनिटर स्टैंड इज लाइक मॉनिटर स्टैंड का फायदा क्या है, मॉनिटर स्टैंड से क्या होता है कि जब हम मॉनिटर स्टैंड का यूज करते हैं तो उसकी मदद से हम अपने मॉनिटर स्क्रीन को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. वी कैन मूव मॉनिटर स्क्रीन. So these all are the benefit that we are having. These all are the benefit that we are having of using the principle of simple principle of ergonomics. Simple principle of ergonomics are used करके these all are the benefit जो कि हमें मिलता है. Okay class. Now next is promote healthy habit. So चलो let us read what are the healthy habit that we should promote in order to keep our work efficient along with to keep our work in a proper order. काम को अच्छा करना और काम को proper order में करने का क्या तरीका है, let us see. Okay. Now Let us move ahead. अभी चलो आगे देखते हैं. Now while working on a computer for a long hour, you should follow these healthy habits. So following are some healthy habit that one should follow. Following are the healthy habit that one should follow in order to keep your work in a proper way. ठीक है? तो सबसे पहले क्या है? That you should गो फॉर अ शॉर्ट वॉक एटलीस्ट वंस एवरी आवर. ठीक है, कम से कम जब हम लंबे समय तक कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट वी शुड गो फॉर अ वॉक आफ्टर एवरी वंस इन एवरी आवर. Now the next thing is
You should go back to work only after splashing the cold water on your face. Like right now, if you are studying for the last 4 to 5 hours, अभी आप क्या करो, 4-5 घंटे लगातार आपका पूरा टाइम कंप्यूटर पे जा रहा है, देन यू शुड गो एंड यू शुड वॉश योर फेस. ठीक है, आपने क्या करना है, यू शुड गो एंड यू शुड वॉश वॉश योर फेस. ओके, you should wash your face and you should make sure that you should thoroughly rinse your eyes. अपनी आँख को आप अच्छे से क्लीन कर रहे हो, इस बात का आपको पूरा ध्यान देना है. Fine class, so these are some very simple technique with the help of which you can be healthy while working on a computer for a long period of time. Now the next is you should take break often and look at the colors and visual that do not strain the eyes. हमें ब्रेक लेना काम के बीच में, we should keep taking break from the work and also we should keep taking the break and we should look at the color and visual that do not strain the eyes. जिससे आँखों पे क्या ना पड़े, आँखों पे भार ना पड़े. ठीक है, इस तरह का काम हमें अपनी आँखों पे, हमारी आँखों पे भार ना पड़े, इस वजह से इस तरह हमें काम के बीच में अक्सर एक ब्रेक लेते रहना चाहिए. एंड वी शुड वॉच द कलर एंड विजुअल दैट डू नॉट गेट पुट द स्ट्रेन ऑन द आईज. यू शुड स्टैंड अप, वॉक अप टू योर विंडो एंड देन लुक एट द ट्रीज एट अ डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस सो दैट द फोकस ऑफ द आईज गेट सम एक्सरसाइज. जैसे अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं लगातार कंप्यूटर पर ही देख के आपसे बात करती जा रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ. नाउ लॉजिकली वॉट शुड Now logically what should I do? अभी मेरे मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए, what I should do in this regard? देखो इसका एक तरीका क्या है इस चीज को करने का, कि आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हो, बहुत लंबे समय से आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हो, what you should do? You should get up, you should go outside the You should go up to your window and then look at the distance object. थोड़े दूर की ऑब्जेक्ट को आपको देखना चाहिए एंड देन यू शुड लुक एट द ट्रीज. क्योंकि कहा जाता है ग्रीन ऑब्जेक्ट को देखने पे व्हाट हैपन, ग्रीन ऑब्जेक्ट को देखने पे आपकी आंखों को क्या मिलता है, शांति मिलती है, आपकी आंखें शांत होती हैं. ओके, नाउ क्लास मूविंग अहेड. Okay, this much is clear. Now it's our turn to do the self-evaluation. ठीक है, next what we have to do, we have to do self-evaluation. Let us do कि what is there in self-evaluation. Now self-evaluation में क्या है, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट आई नो दैट अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट वर्क्स अंडर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय यस. वेल यस, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन एंड ऑल्सो इट वर्क्स ऑन द इंस्ट्रक्शन दैट वी गिव टू द कंप्यूटर. सो यस, दिस स्टेटमेंट इज व्हाट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. फाइन, नहीं, आई नो दैट डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ अनऑर्गेनाइज फैक्ट विच कैन इंक्लूड वर्ड्स, नंबर एंड इमेजेस एंड साउंड. I know that data is what, data is the collection of unorganized fact which can include words, number, images and sound. Yes, correct. Data क्या है, data के data को पढ़ते टाइम हमेशा ध्यान रखना है कि it is unorganized fact. So well yes, this statement is correct. Next is what? Next is, I know that the information refers to the data that is organized, meaningful and useful. I know that information refers to the data that is, information refers to the data that is organized, meaningful and useful. ठीक है, information क्या है, information is a data
जो कि है ऑर्गेनाइज्ड है, मीनिंगफुल है एंड यूजफुल है। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज वॉट ट्रू। नेक्स्ट, आई नो दैट द मेन जॉब ऑफ द कंप्यूटर इज टू प्रोसेस द डेटा एंड इंफॉर्मेशन। आई नो दैट द कंप्यूटर का मेन जॉब क्या है, इज टू प्रोसेस द डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा को प्रोसेस करना और इंफॉर्मेशन को आउटपुट करना, ठीक है। आई नो दैट द मेन जॉब कंप्यूटर इज टू प्रोसेस द डेटा दैट इज इनपुट इन टू द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन बनाना, वेल यस करेक्ट, स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, आई नो दैट द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइज फॉर अ कॉमन पर्पज इज रेफर्स टू एज अ सॉफ्टवेयर। नाउ यहाँ पे बात हो रही है रिलेटेड इंस्ट्रक्शन की, ठीक है। रिलेटेड इंस्ट्रक्शन यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस की। नाउ सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेटेड इंस्ट्रक्शन व्हाट वी विल गेट, सी जब हम रिलेटेड इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो व्हाट डू वी गेट। रिलेटेड इंस्ट्रक्शन मतलब एक जैसे इंस्ट्रक्शन, जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि अगर हम पेंट कर रहे हैं तो पेंट पे सारे जो कमांड है वो ग्राफिक से रिलेटेड ही है, कलर से रिलेटेड, ब्रश है, टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। वहाँ पे मैं चाहूँ कि पेंट में मैं कैलकुलेट करूँ, कैलकुलेटर का यूज़ करूँ, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है फॉर कंप्यूट फॉर अ कॉमन पर्पज, ठीक है। सो दैट दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। आई नो दैट हार्डवेयर इज एनी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट कैन बी टच एंड फेल, राइट। हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर इज एनी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, एंड कलेक्शन ऑफ, हाँ, हार्डवेयर इज सच अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन टच एंड फेल। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज, आई नो दैट अ पर्सन हु कम्युनिकेट विद अ कंप्यूटर और यूजेस द इंफॉर्मेशन इट जनरेट इज टर्म्ड एज द यूजर। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। आई नो दैट अ पर्सन हु कम्युनिकेट विद अ कंप्यूटर और यूजेस द इंफॉर्मेशन इट जनरेट इज कॉल्ड द यूजर। दिस स्टेटमेंट इज वॉट ट्रू। आई नो दैट द कंप्यूटर इनेबल्स अस टू क्रिएट हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट एंड ड्रॉइंग। आई नो दैट वॉट द कंप्यूटर इनेबल्स अस टू क्रिएट हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट एंड ड्रॉइंग। हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट और ड्रॉइंग क्रिएट करने के लिए क्या यूज होता है, कंप्यूटर यूज किए करते हैं। हाँ, वेल यस करेक्ट, जैसे हमने क्लास के दौरान एग्जाम्पल लिया था कानवा का। ओके, आई नो दैट कंप्यूटर्स आर रिलायबल एंड एक्यूरेट, ठीक है। आई नो दैट कंप्यूटर्स आर वॉट, दे आर रिलायबल एंड एक्यूरेट। हाँ, हमने देखो पढ़ा था कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे दे वर नॉट दैट रिलायबल, वो उतने रिलायबल नहीं होते थे। बट नाउ दिस जनरेशन, द करेंट जनरेशन कंप्यूटर, दे आर वेरी रिलायबल एंड दे आर एक्यूरेट ऑल्सो। सो येस, द स्टेटमेंट इज करेक्ट। Moving ahead, I know that the computer can perform the repetitive job efficiently. हाँ करेक्ट, कंप्यूटर हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर कभी टायर्ड नहीं होता और वो रिपीटेटिव जॉब जो होते हैं उसको वो कर लेता है, वो लगातार काम को क्या कर सकता है, कर सकता है, ठीक है। Now moving ahead toward the next thing. Next is what? आई नो दैट अ कंप्यूटर इनपुट्स डेटा एंड प्रोसेस इट, स्टोर एंड डिस्प्लेस द आउटपुट फ्रॉम द डेटा एज इंफॉर्मेशन। आई नो दैट अ कंप्यूटर इनपुट डेटा प्रोसेस इट स्टोर एंड डिस्प्ले द आउटपुट फ्रॉम द डेटा एज इंफॉर्मेशन। सो दिस ऑल
we have read in this chapter. These all are the points that we have read this chapter, and this is just a recall. Okay, so let us do it quickly. I know that any data or instruction entered into the computer is known as input. Correct? So whatever the data that one entered into the computer is called the input. I know that the processing means treating the data according to the instruction and changing it into the form of information. I know that the processing means data ko, dekho processing always mean data ko information banana. Processing always means data ko information banana. Well, yes, this statement is correct. Now next, I know that we should take care of our computer so that it can work properly. We should do what? We should take care of our computer so that it can work properly. ठीक है, आई नो दैट वी शुड टेक केयर ऑफ अवर कंप्यूटर सो दैट इट कैन वर्क प्रॉपरली. ठीक है, तो यस, हमें अपने कंप्यूटर का ध्यान रखना चाहिए सो दैट हम अपना कंप्यूटर क्या कर सके, हम कंप्यूटर पे प्रॉपरली हमारा कंप्यूटर वर्क कर सके. ठीक है, आई नो दैट एर्गोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पीपल, देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक एंड द वेज इन विच दे फंक्शन इन रिलेशन टू देयर वर्किंग एनवायरमेंट. ठीक है, एर्गोनॉमिक्स इज वॉट इट इज द स्टडी ऑफ पीपल, देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक एंड द वे इन विच दे फंक्शन इन रिलेशन टू देयर वर्किंग एनवायरमेंट. करेक्ट, नेक्स्ट क्या, आई नो दैट द टॉप ऑफ द मॉनिटर शुड बी एट द आई लेवल और स्लाइटली लोअर देन. हमारे मॉनिटर का जो टॉप एज है तो वो हमारी आई के क्या होना चाहिए, या तो बिल्कुल बराबर या स्लाइटली थोड़ा उससे नीचे हो सकता है. नेक्स्ट, आई नो दैट द डस्ट बिल्ड ऑन द कंप्यूटर एंड कंपोनेंट ऑल्सो कॉज मेनी प्रॉब्लम. अब जैसे जो डस्ट बिल्ड हो जाती है कंप्यूटर पे, धूल या जो कंप्यूटर पे धूल बिल्डअप होती है, उससे क्या होता है, कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं कंप्यूटर को. ठीक है, so well this statement is also correct, fine, and the last one is also correct, fine. So here we have completed self evaluation. Now let us move towards the exercise question, fine. So we will do the tick the correct option. Okay, read the first question. First question is a collection of unorganized fact, figure and statistics related to an object. A collection of unorganized fact, figure, statistics and related statistics related to an object. एक देखो यहाँ पे भी, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे बात हो रही है अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट की. इस क्वेश्चन में भी जो बात हो रही है वो हो रही है अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट की. ठीक है, तो व्हाट कैन बी दैट अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट. Unorganized fact will be data. We will call it data. A collection of unorganized fact, figure and statistics related to an object is data. Fine. This much is completed. Now, the device hold data and instruction for future use. This device hold data and instruction for the future use. Which device holds the data and instruction for the future use? Device holds data and instruction for the future use is storage devices. Storage devices are the devices that holds the data and instruction for the future use. Any part of the computer you can touch and feel is, so the part of computer that you can touch and feel is वो computer का वो part जिसको आप क्या कर सकते हो, जिसको आप touch और feel कर सकते हो. So the answer will be hardware. Hardware are the part of the computer that you can touch and feel.
ठीक है। ओके, मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर डी, अ पर्सन हु कम्युनिकेट विद अ कंप्यूटर और यूजेस द इंफॉर्मेशन पर्सन हु कम्युनिकेट विथ अ कंप्यूटर, वो व्यक्ति जो कि कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है एंड इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा है जनरेट करने के लिए रिजल्ट, सो दैट पर्सन इज टर्म्ड एज, उसे हम क्या कहेंगे, वी विल कॉल दैट पर्सन एज इंफॉर्मेशन, सॉरी यूजर, फाइन, दैट पर्सन विल बी यूजर, सो द यूजर यूजर इज अ पर्सन हु कम्युनिकेट विथ अ कंप्यूटर और यूजेज द इंफॉर्मेशन इट जनरेट, ठीक है, ओके फाइन। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव टू स्टडी हियर इज द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट इज यूज टू प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, जिसको यूज करते हैं हम डेटा प्रोसेस करने के लिए, सी द वर्ड प्रोसेसिंग हैज बीन यूज हियर, ठीक है, processing word has been used here, so the main part of the computer with the help of which we processing is done is termed as CPU, fine, now see, the collection of unorganized fact, figure and statistics is data, unorganized का इसके data पे लगाया, this device hold data and instruction for the future use, this device hold डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर द फ्यूचर यूज, ये डिवाइस क्या, वॉट इज द यूज ऑफ दिस डिवाइस, दिस डिवाइस यूज द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर द फ्यूचर यूज, फ्यूचर यूज के लिए डिवाइस क्या करता है, डेटा और इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है, फाइन, ओके। नाउ मूविंग अहेड, मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, अब इतना समझ में आ गया, okay, next is fill in the blank, so like next we have to do the fill in the blank, so let us do, we have to do the fill in the blanks here, let us see the fill in the blanks, ठीक है, now in fill in the blanks the thing that we have to do here is, सबसे पहला क्या है fill in the blanks में, हमारे पास जो चीज हमने करनी है fill in the blanks में वो क्या है, सबसे पहला है डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट वर्क्स अंडर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय यू, वेरी इजी क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आंसर, इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, बचपन से पढ़ते आ रहे हो दैट डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, एंड जहाँ पे क्या होता है डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जहाँ पे कंप्यूटर क्या करता है, हम क्या करते हैं जो कि हमारे इंस्ट्रक्शन पे वर्क करता है, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी, the answer of this question will be right, computer, answer will be computer, the computer is an electronic machine that works under the instruction given by you, fine, now moving ahead, dash is the collection of unorganized fact, abhi agla kya hai, unorganized ki baat fir se ho rahi hai, answer kya hoga, what will be the answer, here also in this question also they are talking about the unorganized fact, so what will be the answer, now think and tell me the answer, what can be the possible answer for this question, so the possible answer for this question will be data, data is what, data is the collection of unorganized fact and data, theek, unorganized fact which include word, number and images, so the answer will be data, okay class, so today we have completed up to here, in the next class I will complete the fill in the blanks and then we will move toward the our next part, question answer ki taraf hum badhenge, theek hai, question answer and then we will start the next chapter, so class this is it for today and yeah, now ma'am will meet you in the next class, okay class.